कोई भी नौकरी करता है, ऑफिसर है, ये उसका काम ट्वीट करना नहीं है। लेकिन अभी तो विचित्र बात है, कोई ट्वीट कर देगा, कोई कुछ लिख देगा, कुछ कर देगा, तो ये सब ना ज्यादा चर्चा होती है, कोई मतलब है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ। आईपीएस विकास वैभव के ट्वीट के बाद बिहार की पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है, जहां विकास वैभव ने अपने विभाग की डीजी शोभा हौदकर पर इस बात का आरोप लगाया कि उनके परिवार वालों पर और साथ ही साथ विकास वैभव को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, शोभा हौदकर की तरफ से गालियां दी जाती है, जिसको लेकर आज जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया तो उन्होंने आईपीएस विकास वैभव को कानून बता दिया और कहा कि कोई भी अफसर, कोई भी पुलिसकर्मी के साथ अगर इस तरह का बर्ताव होता है या उसके साथ कोई घटना घटित होती है तो उसे अपने विभाग को सबसे पहले जानकारी देनी चाहिए, अपने सीनियर्स के पास आना चाहिए और इस तरह के मामलों को पूरी तरीके से निजी तौर पर रखना चाहिए, ना कि सार्वजनिक तौर पर। ये कोई तरीका नहीं है जो आईपीएस विकास वैभव अपना रहे हैं, ये कानून के विरुद्ध है। नीतीश कुमार कहते हुए नजर आए कि हम आपको कानून समझा देते हैं कि क्या कानून है, इस तरीके से ट्वीट करना सरासर गलत है। लगातार आईपीएस विकास वैभव के ट्वीट के बाद बिहार की सियासत में भी बवाल मच चुका है, जहां तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। विकास वैभव होमगार्ड एंड सर्विसेज बिहार गवर्नमेंट के आईजी हैं, जिनका आरोप है कि उनके डिपार्टमेंट की डीजी शोभा हौदकर लगातार उनके साथ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, उनकी माता और उनकी पत्नी को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें गालियां दी जाती है, जिस वजह से वो बेहद परेशान और हताश चल रहे हैं, वो अपने पदस्थापन से भी खुश नहीं है। यहां तक कि विकास वैभव ने 60 दिनों की छुट्टी की मोहलत मांगी थी, लेकिन उनकी छुट्टी को रद्द कर दिया गया और विकास वैभव से कारण बताओ नोटिस उन पर जारी कर दिया गया। और अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्ट्रिक्ट तौर पर विकास वैभव को एक तरीके से वार्निंग देने की कोशिश की है और कहा है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है और पूरी जांच हो जाने के बाद ही वो कुछ भी कहेंगे, अभी कहना उचित नहीं है। किस तरीके से नीतीश कुमार ने इस पूरे मसले को टेक ओवर किया है, जांच पड़ताल की बात की है और खासकर आईपीएस विकास वैभव को कानून समझाकर ये बता दिया है कि उन्होंने ट्वीट कर कितना गलत कदम उठाया है, कानून का उल्लंघन किया है, छोड़ जाते उनकी पूरी बातों के साथ। हम तो कह रहे हैं कि भाई वो सबको, मान लीजिए हम लोग कहे कि साइड वाला ठीक है, आपको दिक्कत नहीं हो, वो जो कहे हम लोग तैयार है, कभी कह रहे जहां पर भी कहे वहीं पर हम करवा देने को तैयार, लेकिन कोई बात ही नहीं है। हाउस में भी लोग बोल रहा है तो भी उसका जवाब नहीं, हो क्या गया? अब हम और कुछ नहीं कहेंगे, अच्छा नहीं लगता है हमको, लेकिन ये ठीक आश्चर्य लग रहा है, ये ठीक नहीं लग रहा है कि क्यों हो रहा है, बहुत दुख है। अगर अगर सपोज करिए वो नहीं रहता है तो नेशनल लेवल का चीज है ना भाई, कोई स्टेट लेवल का तो चीज नहीं है, नेशनल लेवल का चीज है। जब मुख्यमंत्री जी भेजे तो उन्होंने कहा कि हाईवे तक जोड़ दीजिए आप लोग, बिहार सरकार, हम लोग काम शुरू कर देंगे। अभी 2-3-4 महीने पहले की बात है, वहाँ जा करके हम लोगों ने बिहार सरकार के तरफ से कमिटमेंट दिया कि हम हाईवे तक कनेक्टिविटी जोड़ देंगे, ये तो बात हुई जाकर के सिविल एविएशन में किया जा रहा है, जो कह रहा हूँ करने को, लेकिन शुरू तो कर देते भाई, लैंडिंग शुरू हो जाता, लोगों को कितनी सुविधा होती है, यहाँ अगल बगल के लोगों को भी कहीं जाना है, दिल्ली जाना है या और कई जगहों का होता तो सबको सुविधा ना होती जी, बहुत अच्छा होता सब। सर एक अधिकारी है, अपने वरिष्ठ अधिकारी पे मिसबिहेव का आरोप लगाया है, विकास वैभव ने अपने डीजी पे महत्वपूर्ण आरोप, गंभीर आरोप लगाया है कि उन्होंने मिसबिहेव किया उनके साथ। कौन? विवेक विकास वैभव ने। अरे दो तरह के फालतू बात, वो सब कोई चीज जो बोलता है और अब ये लोग करेगा, अभी हम नहीं कुछ बोलना हमारे लिए उचित है, हम सबको कह देते हैं कोई कुछ बोलता है तो पूरी जाँच करा लीजिए, देख लीजिए क्या मामला है। लेकिन आप जानते हैं एक बात, आप अच्छी तरह जान लीजिए, कोई भी नौकरी करता है, ऑफिसर है, ये उसका काम ट्वीट करना नहीं है, ये सबसे गंदी चीज है। उसको अगर कोई समस्या है तो अपने डिपार्टमेंट को या सीनियर जगहों पर आकर के अपनी समस्या बतानी चाहिए, यही ना है, निजी तौर पर बतानी चाहिए, उसको किसी भी चीज को सार्वजनिक रूप से नहीं घोषित करना चाहिए, ये है कानून। आप जरा अच्छी तरह जान लीजिए, आपके ऊपर कोई समस्या है
तो सही जगह पर जा करके अपना प्रॉब्लम बता दीजिए, तुरंत उस पर देखा जाता है। लेकिन अभी तो विचित्र बात है, कोई ट्वीट कर देगा, कोई कुछ लिख देगा, कुछ कर देगा, तो ये सब ना ज़्यादा चर्चा होती है, कोई मतलब है? तो खैर, इसके बावजूद हमने कहा है कि कोई भी बात है, हमने कह दिया अधिकारियों को कि सब चीज को देख लीजिए और देखने के बाद क्या है तब हमको बताइएगा। ठीक है, हो गया, अब हो गया, हो गया, अगला जगह भी जाना।